गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अर्थिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा प्लग जो होते हैं उनका जो थर्ड टर्मिनल होता है क्यों ठीक होता है, टाइप्स ऑफ अर्थिंग। आज इसी से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थ्री पिन पॉइंट प्लग है। टू पिन पॉइंट प्लग भी होते हैं, बट टू पिन पॉइंट प्लग में कहीं से भी अर्थिंग का प्रोविजन नहीं होता, वहाँ पर केवल आपका फेज और न्यूट्रल होता है। और जनरली ये प्लग वहाँ पर इंस्टॉल किए जाते हैं जहाँ पर हमें जो डिवाइस या अप्लायंसेस जिसका बॉडी जो है मेटल का ना हो या कम पावर के हो। ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे इस थ्री पिन पॉइंट के बारे में। व्हाई इन प्लग हैव थ्री टर्मिनल एंड व्हाई थर्ड टर्मिनल इज थिक इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स। यहाँ पर जो आप प्लग देख रहे हैं, इसमें ये कहा गया है कि हमारा अगर वर्क जो है टू पिन प्लग से भी चल जाता है तो हम थ्री पिन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, और सेकेंड थिंग, ये जो आपके टर्मिनल हैं इनके कंपैरिजन में जो ये थर्ड टर्मिनल है, ये टर्मिनल ये ठीक क्यों होता है, मोटा क्यों होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब क्वेरी के साथ आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, थ्री टर्मिनल का पर्पज ये हो गया कि हमारा जो वर्क है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, डिवाइसेस हैं, मशीन हैं, ये हमारा इस फेज और न्यूट्रल से वर्क करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज द फेज, ओके, फेज टर्मिनल एंड दिस इज द न्यूट्रल, इन दोनों टर्मिनल से वर्क करते हैं। ओके, बट जब इन दोनों टर्मिनल से वर्क कर रहा है हमारा डिवाइस, तो फिर इस अर्थ टर्मिनल की क्या हो सकता है। ओके, बहुत सारे आपने देखा होगा, बल्ब हो गया, टेबल फैन हो गया, हम इसको लगा देते हैं, टू पिन प्लग से भी वर्क करता है। ओके, बट इस थर्ड टर्मिनल क्यों आ सकता है, ठीक है, या क्यों होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका जो है डिवाइस को रन करने के लिए फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता है। ओके, इन दोनों में से कोई एक एब्सेंट रहेगा तो आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा, चाहे वो फेज हो या न्यूट्रल हो। कि जब दोनों रहेंगे फेज और न्यूट्रल, तब आपका डिवाइस जो है वर्क करना शुरू करेगा। ओके, क्योंकि आपका जो है न्यूट्रल प्रोवाइड करता है करंट को जाने का रास्ता, फेज प्रोवाइड करता है करंट को आने का रास्ता। तो जो चीज आ रहा है उसको जाने का रास्ता चाहिए। ठीक है, तो ये तो यहां तक हो गया। अब इसके बारे में चर्चा करें, ये क्यों होता है अर्थिंग टर्मिनल। तो इसका पर्पज ये है, इसका देने का पर्पज मैंने यही है कि जो भी हमारे थ्री पिन प्लग वाले डिवाइसेस हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये संभावना रहती है कि अर्थ लीकेज अगर हुआ, अर्थ लीकेज हुआ तो जो चार्जेस है उस बॉडी पे इकट्ठा रहेगा, उस तो करंट आपका फ्लो होके न्यूट्रल के माध्यम से चला गया, बट कुछ जो अगर लीकेज चार्ज हुआ तो उस डिवाइस के बॉडी पर रह गया। ओके, और जैसे ही अगर कोई व्यक्ति उसको टच करता है, जैसे ही टच करेगा तुरंत उसको करंट लगेगा। ओके, तो इसलिए जो वहां पर उसके बॉडी पे चार्ज इकट्ठा है जो नेटवर्क के माध्यम से रिटर्न नहीं हो पाया, तो उसको हटाने के लिए या रिटर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डिवाइस को या अप्लायंसेस को ग्राउंड करते हैं, ताकि जो भी चार्जेस वहां उसके बॉडी पे डिपॉजिट है वह पूरा का पूरा चार्ज जो है ग्राउंड पे चला जाए। अब आप ये कहेंगे कि अगर सर ग्राउंड से भी हम कनेक्ट कर देते हैं तो भी अगर ह्यूमन बींग टच करेगा तो करंट लगना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टिव सर्किट। ओके, जिधर का रेजिस्टेंस कम रहेगा करंट उधर फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपके बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है अर्थ कंपैरिजन बहुत ही अधिक है,
अर्थ का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम है और आपके बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। तो हमेशा जो करंट है लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करती है, तो पूरा का पूरा जो चार्ज हुआ एकत्रित हुआ है उस डिवाइस पे वो पूरा का पूरा ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और ग्राउंड मीन्स अर्थ क्या है, एक सिंक है, उसमें कितना भी आप चार्ज डालिए सब सूख जाएगा, ओके। तो यही रीजन है कि यहाँ पर जो भी अगर अप्लायंसेस है डिवाइस है उस पर अगर चार्ज एकत्रित हो रहे हैं या लीकेज करंट हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए हम ये थर्ड टर्मिनल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ये थर्ड टर्मिनल है जिस भी मशीन में है और हमने स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया तो उस मशीन पे चार्ज इकट्ठा हुआ तो ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आपका घर पे, आपके घर पे वायरिंग होना चाहिए, मीन्स अंदर में बोर्ड के अंदर आपका अर्थ वायर लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्थ वायर नहीं है, केवल सॉकेट है और उसमें आपने इसको प्लग को इंसर्ट कर दिया और जो लीकेज करंट है ग्राउंड में चल गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अर्थिंग जब तक आएगा नहीं, अर्थिंग जब तक किया नहीं रहेगा आपका प्लग सॉकेट, तो उसके माध्यम से ही करंट जाएगा, लीकेज करंट जाएगा। और आपने अर्थिंग किया नहीं है, केवल प्लग लगा दिया है, 5 पिन प्लग और 3 पिन प्लग और 5 पिन सॉकेट है या 3 पिन सॉकेट है, और आप सोच रहे हैं कि हमारे घर में हमने तो प्लग को कनेक्ट कर दिया सॉकेट में और लीकेज करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अर्थिंग भी होना जरूरी है तभी लीकेज करंट ग्राउंड में फ्लो होगा, ओके। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, वाई थर्ड टर्मिनल इज थीक इन कंपेरिजन ऑफ अदर। ये तीसरा टर्मिनल है, ये क्यों इन दोनों के कंपेरिजन में थीक होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो इसका मेन रीजन ये है, दो तीन रीजन मैं बता दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट कि इन दोनों से ये टर्मिनल कुछ बड़ा होता है, ठीक है, ठीक तो होता है और लॉन्ग भी होता है थोड़ा सा। कि जैसे हम इस प्लग को सॉकेट में इंसर्ट करने जाएं तो सबसे पहले हमारा सॉकेट में क्या आ जाए, ये अर्थ टर्मिनल जाए, अर्थ टर्मिनल इंसर्ट होके, ठीक है। वो ऐसा इसलिए कि सपोज करें कि आप जैसे प्लग को लगाने जा रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर अप्लायंसेस को, जिस अप्लायंसेस को लगाने जा रहे हैं जिसमें ये प्लग है और उसको टच किया हुआ है, ठीक है, और टच किया हुआ तो अगर लीकेज करंट फ्लो हुआ तो क्या होगा, उसको शॉक लग सकता है। तो इसलिए सबसे पहले आपका है ये प्रॉपर इंसर्ट हो जाए अर्थिंग, तब ये दोनों टर्मिनल इंसर्ट होंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस डिवाइस पे या अप्लायंस पे के बॉडी पे अगर लीकेज करंट भी हो रहा है तो तुरंत वो ग्राउंड के माध्यम, मीन्स इस अर्थ टर्मिनल के माध्यम से ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये रीजन हुआ कि इन दोनों से पहले, सबसे पहले आपका अर्थ टर्मिनल जो है वो आपके सॉकेट में इंसर्ट हो, ठीक है। दूसरा कि अगर आप चाहें कि जो ये थीक इसलिए भी बनाया गया कि दोनों जो टर्मिनल हैं सॉकेट के, जो फेज और न्यूट्रल के जो टर्मिनल हैं, तो उसमें ये आपका इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से आपका इसके रहने से क्या होगा, फेज फेज में जाएगा और न्यूट्रल न्यूट्रल में, और अर्थ जो होगा आपका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन है इस को मोटा बनाने का। एक और रीजन आपको मैं बताता हूँ, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस आप क्लास 10 में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ कि जो कंडक्टर जिसका थिकनेस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस टर्मिनल का थिकनेस क्या है, ज़्यादा है, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस कम होने के कारण करंट क्या है, उधर ही फ्लो कर जाएगी। जो लीकेज करंट है, एक्सेस चार्जेस है, ये आपका क्या है, ग्राउंड वायर से होते हुए ग्राउंड, अर्थ टर्मिनल से होते हुए ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा। तो ये कुछ रीजन्स हैं इस टर्मिनल को ठीक बनाने का, ठीक है। अब मैं आपको और आगे कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, फोटो है जहाँ पर आपका अर्थिंग किया गया है।
यहाँ पर आप एक ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में दिखाया गया है इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, जिसको इलेक्ट्रिक प्रेस। इस इलेक्ट्रिक प्रेस में तीन वायर होते हैं, तीन वायर हैं, तो एक वायर जो है आपका क्या है फेज वायर, दूसरा न्यूट्रल वायर और तीसरा आपका अर्थ वायर। इस इन सभी वायर्स के फेज वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर का सभी का कलर कोडिंग है। इनको कलर कोडिंग किया गया है कि ये जो होंगे तार जो हैं इस कलर का होगा तो ये इसके इस वायर के लिए होगा। तो वो कलर कोडिंग क्या है, हमेशा आपका जो है रेड कलर का वायर होता है फेज वायर के लिए या लाइन वायर करिए कहिए, तो ये हमेशा आपका होता है फेज वायर के लिए। ब्लैक कलर का वायर यूज किया जाता है नेटवर्क के लिए, ओके। और अर्थ के लिए यूज किया जाता है ग्रीन कलर का वायर, ब्लैक अर्थ न्यूट्रल वायर के लिए ब्लैक या ब्लू लो ब्लैक कलर का होना चाहिए न्यूट्रल वायर, और अर्थ वायर के लिए होना चाहिए हमेशा ग्रीन कलर का वायर। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है कि हम जब भी कनेक्ट करने जाएं, अगर हमें प्लग कनेक्ट करना है तो ऐसा ना हो कि जो ग्रीन वायर है वो हम न्यूट्रल में कनेक्ट कर दें या फेज में कनेक्ट कर दें और फेज वायर को अर्थ में। तो इन सब से बचने के लिए इन सभी वायर का कलर कोडिंग किया गया है कि इस कलर का रहेगा तो इसको इसमें कनेक्ट करना है। ग्रीन कलर का वायर होगा जो अभी आपको मैं ठीक टर्मिनल दिखा रहा था उसमें कनेक्ट होगा, और फेज और न्यूट्रल के लिए उसके प्लग पे N और L लिखा होगा, तो N मतलब न्यूट्रल वायर और L मतलब आपका फेज वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार हम कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पोल है जिसको अर्थित किया गया है। आपने देखा होगा जितने भी बिजली के पोल हैं सभी को अर्थित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मेटेलिक पार्ट है दिए जाते हैं मेटेलिक पार्ट्स, या ट्रेन के पोल्स हो गए या ट्रेन की पटरियां हो गई, इलेक्ट्रिक पोल हो गए जहाँ पर लाइट हैंगिंग लाइट लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, तो इन सभी मेटेलिक पार्ट का अर्थित होना आवश्यक है। अगर ऐसा ना हुआ तो लीकेज करेंट हुआ और कोई भी व्यक्ति उस पोल को टच करता है बिकॉज दिस इज अ आयरन पार्ट, उसके कारण उसको करंट लग सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो है जितने भी आपके मेटेलिक पार्ट हैं उनका अर्थिंग होना जरूरी है, तो इसलिए उनको अर्थिंग किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोल को अर्थित किया गया है। यहाँ पर मैं बता रहा था आपको इलेक्ट्रिक प्रेस का कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन वायर, ग्रीन वायर ये कनेक्टेड है आपका अर्थ से न्यूट्रल वायर एंड फेज वायर, ओके। और ऐसे ही सेम आपका इलेक्ट्रिक प्रेस में होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेस में जो ग्रीन वायर है इसके इलेक्ट्रिक प्रेस के बॉडी से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का चार्ज इसके बॉडी पे इकट्ठा होता है या लीकेज करंट फ्लो होता है तो समटाइम क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक आयरन के बॉटम को टच करके देखते हैं कि बॉटम गर्म हुआ है नहीं हुआ, तो उस केस में अगर अर्थिंग नहीं है तो क्या होगा, तुरंत झटका लगेगा, बिजली का झटका, ठीक है। अगर वो अर्थेड है तो क्या होगा कि आपको करंट का झटका नहीं महसूस होगा, करंट का झटका नहीं लगेगा, उस केस में आपका जो लीकेज करंट है वो ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं अर्थिंग आपका एक सेफ्टी डिवाइस है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था आपको MCV के बारे में, फ्यूज के बारे में, दी जाता सेफ्टी डिवाइस। इसी प्रकार से आपका एक अर्थ भी एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है अर्थिंग आपके घर पे जरूर होना चाहिए, और जितने भी मेटेलिक पार्ट्स हैं उनका अर्थिंग आवश्यक है, ठीक है। कहीं पे अर्थिंग क्या होता है कि सरकारी बिल्डिंग्स है तो वहाँ पर सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, कहीं पर अपना लोग खुद बनवा करके अर्थिंग अपना यूज करते हैं सेफ्टी के पर्पज़ से, ठीक है। इससे इसके आगे मैं आपको बताऊँगा टाइप्स ऑफ अर्थिंग कि कितने टाइप्स का अर्थिंग होता है, हम अपने घर पे अर्थिंग कैसे बना सकते हैं, ओके। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अर्थिंग टाइप्स ऑफ अर्थिंग के बारे में बताऊंगा, ओके। थैंक यू।